हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रितु। आई एम फ्रॉम एबीआईसी रेनोकुट। आज के वीडियो में हम देखेंगे, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं और किस टाइप के वाक्यों को हम किस टाइप के सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके पहले के थोड़ी देर अभी मैंने बताया था आपको कि इससे पहले मैंने एक अपलोड किया था वीडियो जिसपे था कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार के बारे में। तो पहले हमने सेंटेंस को जाना था उस वीडियो में, फिर सेंटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर सेंटेंस किसे कहते हैं और अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, किस इमोशन के लिए, किस भाव के लिए हम कौन से टाइप का सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे कि न्यूज़पेपर में ऐसे गेम्स हमेशा दिए जाते हैं कि एक पिक्चर दे दी जाती है और उसके लिए आपके व्यूज़ पूछे जाते हैं, आपका परसेप्शन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो एक लेडी की पिक्चर बनी हुई है, तो अब इसके बारे में कुछ लोगों से पूछा गया या हमने खुद से अगर इमेजिन करके देखें तो इसके चार तरीके के सेंटेंसेस आएंगे। शी इज़ अ वुमेन, हु इज शी, कॉल दैट वुमेन, हाउ ब्यूटिफुल द वुमेन इज़। और भी परसेप्शंस हो सकते हैं लेकिन मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ चार सेंटेंसेस को लिया है जो कि चार इमोशंस को शो करता है। पहला है जिसमें सिर्फ बताया गया है, कह रहा है, दूसरे में क्वेश्चन किया जा रहा है, तीसरे में निवेदन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, फिर चौथे टाइप में वुमेन को अप्रिशिएट किया जा रहा है फॉर हर ब्यूटी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। आपने जैसा पिछले स्लाइड में देखा था, पहला सेंटेंस था हमारा शी इज़ अ वुमेन। इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नॉर्मली बात कही जा रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम सिर्फ बात को कहते हैं या किसी के बारे में कुछ बताते हैं तो उसे कौन से सेंटेंसेस के अंतर कहा जाता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इधर दूसरा वाक्य है कि इसमें वी पुट फुल स्टॉप एट दी एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल्स के की ओर अगर बढ़ें तो शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे एंड शी डिडंट गो टू द मार्केट यस्टरडे। यहाँ पे दो तरीके के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये दोनों ही सेंटेंस और लास्ट में आप देख रहे हैं कि फुल स्टॉप लगा हुआ है और इसमें सिंपली बात कही जा रही है कि पहले सेंटेंस में है कि वह मार्केट कल वह मार्केट गई, दूसरे में है कि वह कल मार्केट नहीं गई। ठीक है, तो इसे हम सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इन दोनों वाक्यों को ध्यान में रखेंगे, इन दोनों के वेरिएशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस को ही हम दो पार्ट में अगेन डिवाइड करते हैं जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्यों को कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों को कहते हैं। अब स्वीकारात्मक वाक्यों में कुछ वाक्य हैं जैसे कि फर्स्ट है आई लाइक एप्पल्स, दूसरा है आई डोंट लाइक एप्पल्स। पहले में कह रहा है, उसे स्वीकार कर रहा है कि उसे फल पसंद है, एप्पल पसंद है, दूसरे में वो कह रहा है कि आई डोंट लाइक एप्पल्स। फिर यही दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि पहला सेंटेंस इसके आगे का जो मैंने असर्टिव में एग्जांपल दिया था थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो यही दोनों सेंटेंस था, एक में स्वीकार रहा है और एक में नकार रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस है दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। दोनों में अलगाव है, एक में स्वीकारा जा रहा है, एक में नकारा जा रहा है। और डिड नॉट, डू नॉट, इसका प्रयोग हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। हु इज शी, कौन है वह, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है,
हमारा दूसरा परसेप्शन, ऐसे टाइप के सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है आस्क अ क्वेश्चन और इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एरो बना हुआ है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके जस्ट सामने एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं। जैसे पहला है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस, तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस में डू यू लाइक स्टोरीज, मतलब डू यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है जिससे हमने सेंटेंस को शुरू किया है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस के क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ हाँ या नहीं में आते हैं। और WH क्वेश्चंस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये WH वर्ड से बना होता है। WH वर्ड्स में हु, हुज, होम, विच, व्हाट, ये सब सेंटेंस वर्ड्स आते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ऊपर हम देखेंगे कि हमारा तीसरा परसेप्शन लिखा हुआ है कॉल दैट वुमेन। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हो सकता है महिला को बुलाना एक निवेदन हो, एक ऑर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल सॉरी डिफाइन किया है इसको, एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन इंस्ट्रक्शन, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं? कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर, आदेश, एन इंस्ट्रक्शन एक सूचना, एक निर्देश और फिर अ रिक्वेस्ट एक निवेदन और एन एडवाइस एक सलाह। इन सब चीज़ों को हम इम्परेटिव सेंटेंस में अपने सेंटेंसेस में इम्परेटिव सेंटेंस में कह सकते हैं। जैसे अब हम आगे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जिस तरीके से ये इमोशंस लिखे हुए हैं उसी तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे पहला है एग्जाम्पल कीप ऑफ द ग्रास, आप जैसे आपके घर में अगर गार्डनर हो तो आप उसे ऑर्डर देते हैं कीप ऑफ द ग्रास। फिर सेकंड सेंटेंस है पुट दिस नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, पुट दिस नोटिस इट्स एन इंस्ट्रक्शन। एंड द थर्ड सेंटेंस इज पास मी द सॉल्ट प्लीज, देयर द वर्ड प्लीज शोज द रिक्वेस्ट। प्लीज यहाँ पे रिक्वेस्ट शो कर रहा है, निवेदन शो कर रहा है। फोर्थ वन इज मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये एक एडवाइस है। ऐसे कुछ और भी एडवाइस हो सकते हैं जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, आप लोग अक्सर करके देखते होंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऊपर आप देखेंगे हमारा चौथा परसेप्शन हाउ ब्यूटिफुल द वुमेन इज, वो महिला कितनी सुंदर है। तो ऐसे इमोशंस, एक्स्ट्रा इमोशंस को शो करने के लिए, एक्स्ट्रा फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग और एक्स्ट्रा इमोशंस को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। और यह सेकंड सेंटेंस आप देखेंगे इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, इट एंड्स विद अ स्पेशल काइंड ऑफ साइन दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। सो हम अगर इसे और अच्छे से समझना चाहें तो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है आई फील सो सैड, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। फिर है टुडे इज़ द बेस्ट डे एवर, जैसे किसी ने कभी ताज ना देखा हो वो अचानक से ताज देख लेता है तो वो कहता है आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट स्लाइड की ओर जो कि रिकॉलिंग स्लाइड है। इसमें हम जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर रहे हैं। पहले तो हमने सेंटेंस पढ़ा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर सेंटेंस चार तरीके के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस में हम सिंपली बातों को बता रहे होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में हम कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस दे रहे होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं। एक और तरीके का सेंटेंस होता है जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन चूंकि मैं ये वीडियो 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए बनाई हूँ तो इसलिए मैंने उसका इसमें जिक्र नहीं किया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड जो कि एक थैंकिंग फॉर यू है। स्टे होम, सेव लाइव्स। थैंक यू। सेव लाइव्स। थैंक यू।